नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल में। 19 सितंबर 2020 को लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की जो एग्ज़ाम हुई थी, तो उसके लिए जो आपकी फर्स्ट आंसर की है वो रिलीज हो चुकी है आज 28 सितंबर को। तो यहाँ पर ये आपकी जो आंसर की है ये बोर्ड की वेबसाइट पर आ चुकी है, तो यहाँ पर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें अभी तक कोई भी जो है क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, और ये आपको चेक करनी है अपने पेपर के साथ नहीं, आपको करनी है जो बोर्ड ने प्रोवाइड करवाया है मास्टर क्वेश्चन पेपर, उससे मिलान करके आपको ये आपकी आंसर की है वो चेक करनी होगी। सीधा आप अपने पेपर से नहीं चेक करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम बोर्ड की वेबसाइट पर विज़िट करते हैं। साथ ही साथ आपको जो है लिंक मिल जाएगा, सीधा आप डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की को और मास्टर क्वेश्चन पेपर को। तो वहाँ पर दोनों आपके आज जारी कर दिए गए हैं। तो ये प्रारंभिक उत्तर कुंजी है। तो बोर्ड की वेबसाइट पर जो न्यूज़ नोटिफिकेशन की जो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये आपका दिया गया है मास्टर क्वेश्चन पेपर, तो इसमें से आपको मिलान करके अपनी आंसर की चेक करनी है। साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जो ये प्रेस नोट जारी किया गया है कि आपको ऑनलाइन जो क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन जो करना है, तो ये जो प्रेस नोट है उसमें क्या दिया गया है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही आपका जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है इससे आपको अपनी जो है ये आंसर की मिलान करनी है, फिर आपका जो भी स्कोर आपका बनता है वो स्कोर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, चाहे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ये जो मास्टर क्वेश्चन पेपर है ये आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करके उससे मैच आपको करना है। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न होगा उससे आपको चेक करना होगा, जो कि आपका पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर से संबंधित है, और ये पहला प्रश्न है और उस आंसर की का पहला प्रश्न, इन दोनों को मैच करके आपको ये अपनी आंसर की पूरी चेक करनी है पूरे 150 प्रश्नों की। और ये जो आपका प्रेस नोट जारी किया गया है इस आंसर की के रिगार्डिंग, जो आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी एग्ज़ाम हुई थी 19 सितंबर को, जिसका कोड यहाँ पर 75 रहा है, और यहाँ पर इसकी मास्टर प्रश्न पत्र और प्रारंभिक उत्तर कुंजी जो है जारी कर दी गई है। तो इसमें अगर आपको किसी उत्तर के संबंधी कोई आपत्ति हो है तो आप 30 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक जो है रात्रि 12 बजे तक अपनी ऑनलाइन आपत्ति जो है दर्ज कर सकते हैं। और परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे, इसलिए यहाँ पर जो मास्टर क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी जो है चेक करनी है। और यहाँ पर आपका जो प्रश्न के लिए अगर आपत्ति दर्ज करते हैं तो यहाँ पर शुल्क जो होगा वो आपका 100 रुपये होगा, और किस तरह से करनी है इसके लिए इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्ति लिंक के पर जाकर के SSO ID के माध्यम से देश शुल्क जो है ई मित्र पेमेंट गेटवे ई मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न 100 रुपये की दर से शुल्क जो है भुगतान करें। भुगतान के लिए जो सर्विस चार्जेज है ई मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा, और शुल्क के अभाव में आपत्तियां जो है स्वीकार नहीं किया जाएगी। और साथ में आपत्तियों का लिंक जो है वह आपका जनरेट हो जाएगा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेगा, ये 12 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा, और उसके पश्चात जो है ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये टाइम यहाँ पर दिया गया है, और अन्य किसी माध्यम से या फिर अथवा निर्धारित तिथि के बाद जो भेजी गई आपत्तियाँ यहाँ पर स्वीकार नहीं की जाएगी। आपत्तियाँ केवल एक ही बार ली जाएगी। आपत्तियों के लिए जो पोर्टल पर स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रमाण ही जो है आपको संलग्न उसमें करने हैं। और तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपकी हो गई है। साथ में अगर जो परीक्षार्थी का जो आपत्ति शुल्क में पेटे में जो अधिक जमा कराई राशि है उसमें किसी प्रकार का रिफंड नहीं होगा, तो ये आपका पूरा प्रेस नोट है ये आपने देख लिया। अब आपने जो करना है अपनी आंसर की चेक करने के बाद आपका जो भी स्कोर बनता है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको साथ में शेयर करना है, और साथ में आपको अपना स्कोर जो है वो शेयर करना है कितना आपका बना है। उसके अलावा आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, TSP non-TSP दोनों में जो भी आप जिससे हैं तो वो आप ज़रूर साथ में बताएं। और इसके अलावा है कि एक ज़रूर जो गूगल फॉर्म वाला सर्वे भी करवाया जाएगा, तो उस पर भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, चाहे आप ग्रुप में कर सकते हैं और यहाँ पर
भी आपको देखने को मिलेगा। जब आप अपना स्कोर शेयर करना स्टार्ट करेंगे तो अब आपको जो है सर्वे है वो जल्द मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके अपने जो मार्क्स वो कितने के बीच आ रहे हैं वो आपको ज़रूर शेयर करने हैं, ताकि इससे पहले भी हम कुछ कट ऑफ का जो है आइडिया लगा चुके हैं पिछले वीडियो में, जो कि आपका पहले जो भी आंसर की थी, जो भी आंसर की लगाई गई थी, तो उसके बेस पे अब आपको प्रॉपरली ज़रूर बताने हैं अपने मार्क्स जितने भी आपने स्कोर किया है इसमें। बाकी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइब्रेरियन ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।